अगर आपके पास है एक शार्प वेल डिफाइंड जॉ लाइन तो कांग्रेचुलेशन, और चांसेस है कि आपका फेस शेप या तो डायमंड है या फिर ट्रायंगल या फिर स्क्वायर, और इन तीनों फेस शेप्स में एक चीज कॉमन है कि अगर इन्हें सही तरीके से स्टाइल कर लिया जाए तो इनसे ज्यादा सेक्सी, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मैस्कुलिन फेस शेप्स और कोई भी नहीं है, जिन्हें देखते ही कोई भी लड़की इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन 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 इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर इन्हें गलत तरीके से स्टाइल किया गया तो इससे ज्यादा छपरी, ज्यादा अनअट्रैक्टिव फेस शेप्स भी कोई नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि मैं इन तीनों फेस शेप्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये दिखती कैसी है और इन्हें स्टाइल कैसे करना है सही तरीके से। और साथ ही इस वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है, 3 लकी विनर्स को मौका मिलेगा ₹500 का Amazon पे वाउचर जीतने का। वो कैसे, उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप मत करना वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फेस शेप की। अगर आपका फेस शेप स्क्वायर है तो आपकी जॉ लाइन, चीक बोन्स और फोरहेड की जो विड्थ होगी ना वो सिमिलर होगी, एक जैसी होगी। ये फेस शेप इतनी ज्यादा मैस्कुलिन है कि जितने भी एक्टर्स ने आज तक सुपरमैन का रोल प्ले किया है उसमें से ज्यादातर एक्टर्स की जो फेस शेप थी वो थी स्क्वायर। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो आपकी कितनी ज्यादा मैस्कुलिन फेस शेप है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट वाले एक्टर जो कि है हेनरी कैविल। अब इनके एग्जांपल से समझते हैं कि इन्होंने हमेशा ज्यादातर क्लीन साइड पार्ट लुक रखा है ताकि ज्यादातर अटेंशन जो है वो इनके फेस के लोअर पार्ट पे रहे, जहां पे बहुत अच्छी जॉ लाइन है, वेल डिफाइंड चीक बोन्स है। ज्यादा वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल, ज्यादा हाई फेडेड या शार्प हेयर स्टाइल्स इन्होंने नहीं रखे, क्योंकि देखो आपका फेस पहले से ही शार्प है, वेल डिफाइंड है, तो आपको बहुत ज्यादा शार्प हेयर स्टाइल्स अवॉइड करने हैं। लेकिन हाँ, आप वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल रख सकते हो, हाई वॉल्यूम पोमपाडोर या हाई वॉल्यूम कॉम ओवर, और अगर आपके कर्ली बाल हैं तो आप इस टाइप का कर्ली बाल वाला हेयर स्टाइल भी रख सकते हो, जिसमें साइड्स और टॉप के जो बाल हैं थोड़े से बड़े रहेंगे, थोड़ा सा बाल फोरहेड पे आएंगे। देखो बहुत ज्यादा फोरहेड भी कवर नहीं करना आपको, क्योंकि स्क्वायर फेस शेप ज्यादातर तो इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, तो इसलिए आपको बिल्कुल फोरहेड को कवर नहीं कर लेना, लेकिन थोड़े से बाल अगर फोरहेड पे आए वो भी अच्छा ही लगता है स्क्वायर फेस शेप। और ये बंदा भी हेनरी कैविल ही है जब इन्होंने लंबे बाल कर लिए थे बहुत ज्यादा, तो आप देख सकते हो जो मैं पहले बता रहा था कि गलत तरीके से अगर स्टाइल किया जाए तो कितना अनअट्रैक्टिव लग सकता है बंदा। इसलिए फिर इन्होंने इसे करेक्ट किया और बालों को पीछे की तरफ पुल बैक करके मैन बन हेयर स्टाइल रखा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा स्क्वायर फेस शेप पे। एक और हेयर स्टाइल यहाँ मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी हेयर लाइन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, विडोज पीक हेयर लाइन है इनकी, लेकिन अगर आपकी हेयर लाइन अच्छी है आप बस कट या क्रू कट करवा सकते हो, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा स्क्वायर फेस शेप पे। मेरे अकॉर्डिंग एक स्क्वायर फेस शेप, अच्छी जॉ लाइन, अच्छी हेयर लाइन और बस कट एक परफेक्ट किलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्क्वायर फेस शेप पे बस कट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी हेयर लाइन अच्छी है तो करवा लेना। चलते हैं हमारी अगली फेस शेप की तरफ, जो कि है डायमंड फेस शेप। अगर आपका डायमंड फेस है तो आपकी जो चीक बोन की विड्थ है वो आपकी जॉ लाइन और फोरहेड से ज्यादा रहेगी। और डायमंड फेस शेप का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे अपने खुद के कार्तिक आर्यन और ऋतिक रोशन। इन दोनों को आप कभी भी ज्यादा शार्प हेयर कट्स या हाई फेडेड लुक्स में नहीं देखोगे, फिर चाहे वो ऋतिक रोशन का पोमपाडोर लुक हो या फिर कार्तिक आर्यन का हाई वॉल्यूम मेसी हेयर स्टाइल हो, क्योंकि भाई जब आपका फेस ऑलरेडी इतना शार्प और वेल डिफाइंड है तो आपको थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करना चाहिए। ऋतिक रोशन ने भी एक शार्प हेयर कट रखा था वॉर फिल्म में, लेकिन उसे एक बियर्ड के साथ इन्होंने बैलेंस आउट करा था। और अगर आपकी भी बियर्ड अच्छी आती है तो आप अपनी फेस के लोअर पार्ट को वॉल्यूमाइज करो, वो अच्छा रहेगा डायमंड फेस शेप के लिए। हेयर स्टाइल जैसे कि अंडरकट हो गया, इन्हें आपको नहीं करवाना। अब कई लोग मुझे एग्जांपल देते हैं किलियन मर्फी का, इनका भी डायमंड फेस शेप है और इन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज में अंडरकट लुक रखा था। अब भाई देखो, मेरे अकॉर्डिंग आज भी ये हेयर स्टाइल जो किलियन मर्फी ने रखा है वो गलत है। मैं जानता हूं कई लोग शायद इस पे गुस्सा हो जाएंगे, भाई सीरीज बहुत अच्छी थी लेकिन हेयर स्टाइल गलत है। और देखो इन्होंने रिसेंट में जो हेयर स्टाइल कराया है, मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल रखा है, वो अच्छा लगता है डायमंड फेस शेप पे, आप भी ये रख सकते हो। लेकिन अंडरकट हेयर स्टाइल भाई, अगर कोई डायमंड फेस शेप वाला मेरे से एग्री नहीं कर रहा है तो जाके करवा के एक बार देख लो। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 2 महीने ना घर पे बैठना पड़ जाएगा, छुप के रहना पड़ेगा लोगों से, इतना खराब लगेगा ये हेयर स्टाइल। अब तीसरी है ट्रायंगल फेस शेप, थोड़ी सी रेयर है और वीडियोस भी इस पे ज्यादा आपको यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं ट्रायंगल फेस शेप पे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसे भी आपको कैसे स्टाइल करना है। देखो अगर आपका ट्रायंगल फेस शेप है तो आपकी जो जॉ लाइन की विड्थ है वो सबसे ज्यादा है, आपके फोरहेड और आपके चीक बोन से ज्यादा रहेगी जॉ लाइन की विड्थ। दो बातें अच्छे से लिख के रख लो, नोट कर लो, जो आपको नहीं करनी। पहली तो ये कि आपको अपने फोरहेड को कवर नहीं करना, आपके बाल हमेशा पीछे या फिर ऊपर की तरफ स्टाइल होंगे, फोरहेड हमेशा आपका दिखना चाहिए। और दूसरी ये कि आपको साइड्स के बाल फेडेड या छोटे नहीं करवाने, आपका फोरहेड जो है वो ऑलरेडी स्लिम होता जा रहा है ऊपर से, इसलिए साइड्स में हमेशा आपको बाल बड़े रखने हैं, वॉल्यूमाइज रखने हैं, ताकि आपके फोरहेड को थोड़ी सी विड्थ मिले। अब ऊपर के बालों को आप साइड पार्ट लुक दे सकते हो, मैसी साइड पार्ट लुक अच्छा लगेगा ट्रायंगल फेस शेप पे, या फिर आप क्विफ हेयर स्टाइल करा सकते हो, थोड़े से बाल छोटे करवा लो और ऊपर की तरफ स्टाइल करो, लेकिन साइड्स के बाल भी आपको इतने ज्यादा छोटे नहीं करवाने, साइड्स के बाल बड़े ही रहेंगे। और उसी लेंथ के टॉप के बाल रख के भी आप क्विफ हेयर स्टाइल भी दे सकते हो। तो देखो आपका जॉ लाइन एरिया ऑलरेडी वाइड है, अगर आप बियर्ड रखोगे तो वो और भी ज्यादा वाइड हो जाएगा, इसलिए आपको बियर्ड अवॉइड करनी है। आप उसकी जगह ना मूछ रख सकते हो, मूछ ट्रायंगल फेस शेप पे अच्छी लगेगी, एक डिवाइडेड लुक देती है फेस को। और अगर आपका फेस शेप ओवल है, ओब्लॉन्ग है, हार्ट है, तो मैंने उस पे भी वीडियोस बनाई हैं, आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। गिव अवे की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।